एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने वाली हूं। उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि ऐसे ही लगातार अपडेट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि INC ने एक न्यू नोटिस रिलीज़ कर दिया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नया नोटिस रिलीज़ कर दिया है। स्टूडेंट की नोटिस है एडमिशन से रिलेटेड, इसी वजह से ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिशन से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ कर दिया है स्टूडेंट्स, एंड आप सभी के लिए अभी और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जिन भी कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हुआ या फिर जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है INC की साइड से सभी के लिए, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो क्या INC ने बोला है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि INC ने एक लिमिट जो है सेट कर दी थी, एक यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था, बट इसी ड्यूरेशन तक एडमिशन लिया जा सकता है। अभी वो क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। जिन भी इंस्टीट्यूट ने एडमिशन नहीं लिया, अभी उनके फिर से यहां पर आप लोग बोलेंगे कि उनके लिए फिर से चांसेस हैं, या फिर आप लोगों के लिए चांसेस, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज अभी एडमिशन फर्दर 31 मार्च तक जो है लिए जा सकते हैं। जो जिस भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिए गए, काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अभी भी एडमिशन 2021 के पेंडिंग है, एंड काफ़ी कॉलेजेस हैं जैसे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज होगा, काफ़ी है, मैं मुझे एग्जांपल देने की आई थिंक जरूरत नहीं होगी। आप लोगों को भी पता है कि काफ़ी कॉलेजेस के 2021 के एडमिशन पेंडिंग है, उन्हीं को लेकर जो है इन INC ने जो है नया नोटिस यहां पर रिलीज़ किया है। जो भी एडमिशन पेंडिंग है अभी, उन सभी के लिए खुशखबरी यहां पर आप लोग बोल के चल सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। INC ने जो पहले एक नोटिस रिलीज़ किया था, उसमें इन्होंने बोला था कि 31 मार्च लास्ट डेट है, बट अभी इन्होंने बोल दिया कि हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 31 अक्टूबर से पहले 31 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक एकेडमिक ईयर 2021-2022 सेशन को एक्सटेंड किया जाता है। नर्सिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं एडमिटिंग स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन विल हैव एन डिले ऑफ 3 to 6 months इन द, यहाँ पर जो भी कॉलेज जो रहेंगे जो कि 31 मार्च तक यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, उनको ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि वो यहाँ पर जो एकेडमिक ईयर है उसमें 3 to 6 महीने डिले करें। दिस विल अफेक्ट करेगा थ्योरी एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस को। हैंस इफ द मिनिमम अटेंडेंस इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एज प्रिस्क्राइब बाई INC इज नॉट मिट बाय द बैच ड्यूरिंग देन, यहाँ पर जो रहेगा बैच जो रहेगा वो सेपरेट इरेगुलर बैच वो है जो कंसिडर किया जा सकता है। इस वजह से ये भी थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहे कि जितनी जल्दी एडमिशन लिया जा सकता है उतनी जल्दी यूनिवर्सिटी कराएं, बट 31 मार्च तक का समय है, वहां तक जब तक यहां पर एडमिशन लिया जा सकता है। बाकी ये भी बोला है कि जो एकेडमिक ईयर है उसको शॉर्टन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ कि एकेडमिक ईयर 6 to 7 month का ही हुआ, तो उस केस में उस पर्टिकुलर बैच को सेपरेट इरेगुलर बैच जो रहेगा वो कंसीडर कर लिया जाएगा। इस वजह से आप लोगों को समय पूरा मिलने वाला है फर्स्ट ईयर में। आप लोगों का चाहे एडमिशन 31 मार्च को ही क्यों ना हो, आप लोगों को पूरा एक साल मिलेगा एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर में। इन्होंने यही आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, एंड उसके साथ साथ सेम जानकारी यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को दी गई, बिकॉज INC हमेशा ही अपना जो भी नोटिस रिलीज़ करता है ऊपर इंग्लिश में एंड नीचे हिंदी में रिलीज़ करता है। यही बात मुझे INC की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में हो जाएगा तो कंसीडरेशन में काफ़ी जो स्टूडेंट रहेंगे जिनको हिंदी में कंफर्टेबल रहेगा वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।